नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कोच पर। साथियों, आज बात करेंगे CSE सेंटर के बारे में, यानी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। साथियों, भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पॉलिसी के तहत सूचनाओं तथा योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए ई सर्विस सेंटर्स की शुरुआत की गई है। साथियों, इन सेंटर्स के माध्यम से सरकार अपने बहुत से काम, जैसे कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं से संबंधित उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रही है। साथियों, कॉमन सर्विस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है वह कम लागत पर ई गवर्नेंस सर्विस उपलब्ध कराना है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत में तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम ऑनलाइन संपन्न हो रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने CSE सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। साथियों, अगर आप नहीं जानते हैं कि CSE सेंटर क्या होता है, CSE VLE क्या होता है, इससे कैसे कमाई की जा सकती है, CSE सेंटर कितने रुपए कमा सकते हैं और इसे कैसे खोला जा सकता है, तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि CSE सेंटर क्या है और इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो साथियों, बात करते हैं CSE सेंटर के बारे में। साथियों, CSE का जो मतलब होता है वह कॉमन सर्विस सेंटर है, यानी हम हिंदी में बात करें तो सामान्य जन सेवा केंद्र। साथियों, इसके माध्यम से आसानी से अनेकों ऑनलाइन काम पूरे किए जा सकते हैं। साथियों, जो भी सर्विस हमारी ऑनलाइन है, जैसे निवास प्रमाण पत्र बनाना या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आधार कार्ड में कोई अपडेट कराना है या पैन कार्ड से रिलेटेड हमारी कोई सर्विस है, तो हम CSE सेंटर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, हमारी सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी हैं या किसी सेवा के बारे में जानकारी है या हमें कोई किसी से रिलेटेड ऑनलाइन सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी या कहीं पे अप्लाई करना है, तो हम CSE सेंटर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, CSE सेंटर में जो बहुत सारे काम होते हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे पासपोर्ट से रिलेटेड है या पैन कार्ड से रिलेटेड, जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड या अन्य किसी कृषि संबंधी सुविधा से रिलेटेड काम जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो CSE सेंटर के माध्यम से कराए जा सकते हैं। साथियों, CSE VLE के बारे में आपने सुना होगा, इसका अर्थ है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। साथियों, अगर हम बात करें CSE सेंटर कौन अप्लाई कर सकता है या किसके द्वारा चलाए जा सकते हैं, तो साथियों CSE सेंटर जो है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही चलाए जा सकते हैं। इसका सीधे सीधे अर्थ ये है कि जो हमारे क्षेत्र आधारित उद्यमी हैं वही CSE सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, CSE सेंटर की एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे साथियों, CSE सेंटर जो है VLE द्वारा ही चलाए जाएंगे, मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर द्वारा ही चलाए जा सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि हमें इसको चलाने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए कितना शुल्क देना होगा। जी साथियों, हमारी सरकार द्वारा इसको अप्लाई करने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। जी हाँ, अगर हमें कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो हमें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, मतलब यह है कि हम फ्री में इस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, CSE सेंटर से कैसे पैसा कमा सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जानकारी के अनुसार सेंटर के माध्यम से जो भी काम पूरा किया जाएगा उस पर एक आधारित कमीशन आपको मिलेगा। सभी कामों के लिए कमीशन की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। आप CSE सेंटर की जो वेबसाइट है cse.gov.in पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ जो CSE सेंटर के लिए अनिवार्य हैं। CSE सेंटर अप्लाई करने के लिए आपका 18 वर्ष से अधिक आयु का होना अनिवार्य है। साथियों, कम से कम हमें 10वीं की परीक्षा पास करनी होगी। बैंक खाता हमारा होना चाहिए। सेंटर के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारे पास होना चाहिए। और जो आखिरी रिक्वायरमेंट है वो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। साथियों, CSE सेंटर के लिए हमें इन सारी योग्यताओं के साथ साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी ज़रूरी हैं जो हमारे पास होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं तो हमारे पास 2 से अधिक कंप्यूटर होने चाहिए, कम से कम 500 GB हार्ड डिस्क के साथ और रैम के साथ। साथियों, हमारे पास एक कंप्यूटर लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और हमारे पास कलर और ब्लैक प्रिंटर भी होना चाहिए। साथियों, हमारे पास स्कैनर, पेन ड्राइव, सेंटर पर कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप
और अच्छी इंटरनेट स्पीड का होना अनिवार्य है। साथियों CSE सेंटर पर आपका एक वेब कैम या डिजिटल कैमरा आवश्यक है। साथियों ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए जब हम CSE सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSE सेंटर पर अप्लाई करने के लिए हमें उसकी वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में आपने जाना कि CSE सेंटर क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इससे हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको CSE सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, हम आपके कमेंट को चेक करेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे। साथियों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।